हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है मेंडल्स मानो हाइब्रिड क्रॉस भी ख़त्म किया। मानो हाइब्रिड क्रॉस ये हमने कंप्लीट किया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने ख़त्म किया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब इन दोनों में से एक कॉमन कैरेक्टर था, वो था डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, दैट मीन्स एक कैरेक्टर डोमिनेंट था या एक फैक्टर डोमिनेंट था, दूसरा फैक्टर रिसेसिव था। तो अब इस मेंडल के जो है ये जो फैक्टर्स थे उसके मरने के बाद कुछ और जो है फिनोमिनन हमारे सामने आए हैं या साइंटिस्ट लोगों के सामने आए हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा जो है, अगर मेंडल को सामने आ जाते वो प्रॉब्लम्स, वो मेंडल ये ला नहीं दे पाता। तो वो क्या है, मैं एक एक प्लांट है, फोर ओ क्लाक प्लांट, मिराबिलिस जिलापा है उसका नाम। तो उसमें क्या है, उसमें दो किस्म के फ्लावर्स आते हैं। एक होता है व्हाइट फ्लावर, दूसरा है रेड फ्लावर। रेड फ्लावर, एक है व्हाइट फ्लावर, दूसरा है रेड फ्लावर। तो दैट मीन्स इसमें बहुत सारे ये जो प्लांट्स हैं, हमने दो प्लांट्स जो है देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक किस्म के फोर ओ क्लाक में आता है व्हाइट फ्लावर, दूसरे में आता है रेड फ्लावर। तो अगर हम इन दो क्रॉस पे जाएंगे, अगर हम दोनों को क्रॉस करेंगे, F1 जनरेशन में कोई एक कलर मिलेगा, या व्हाइट या रेड, लेकिन ये दोनों नहीं मिलते हैं। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, व्हाइट फ्लावर को रेड फ्लावर के साथ क्रॉस किया है, जिस तरह मेंडल ने किया है, वहां पे F1 जनरेशन जो निकला है वो निकला है पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर दैट मीन्स ना व्हाइट डोमिनेंट है ना रेड डोमिनेंट है, ना व्हाइट रिसेसिव है ना रेड रिसेसिव है। तो ये अलग रिजल्ट मिला है हमें, ये डिफरेंट रिजल्ट आया है, डिफरेंट फ्रॉम मेंडल, डिफरेंट फ्रॉम मेंडल, ये मेंडल से डिफरेंट रिजल्ट आया है। ये है पिंक, दोनों का मिलाप जो है, ये ब्लेंड हो गए, दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो पिंक फ्लावर मिला हमें। तो ये पिंक फ्लावर जो है, इस प्रोसेस को जब दोनों में से कोई जो है फैक्टर या दोनों में से कोई कैरेक्टर डोमिनेंट ना हो, बल्कि दोनों मिक्स करके एक नया कैरेक्टर बना देते हैं, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन व्हेन टू फैक्टर्स व्हेन टू फैक्टर्स एक्सप्रेसिंग देयर पर्टिकुलर ट्रेट्स, पर्टिकुलर व्हेन टू फैक्टर्स एक्सप्रेसिंग पर्टिकुलर ट्रेट्स आर क्रॉस्ड और क्रॉस्ड एंड एंड रिजल्ट इन द F1 प्रोजिनी एंड रिजल्ट इन द F1 प्रोजिनी विच इज हैविंग नीदर ऑफ द कैरेक्टर, नीदर ऑफ द ट्रेट, विच इज हैविंग नीदर ऑफ द ट्रेट, बट शोज मिक्सड ट्रेट और ब्लेंडेड ट्रेट और ब्लेंडेड ट्रेट। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसको आप पार्शल डोमिनेंस बोल सकते हैं, पार्शल डोमिनेंस, पार्शल डोमिनेंस। पार्शल डोमिनेंस का मतलब क्या है, न ये डोमिनेंट है न ये डोमिनेंट है, न ये रिसेसिव है न ये रिस, दोनों मिलाकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं और अपना जो है एक मिक्सड कैरेक्टर निकालते हैं। तो यही मैंने लिखा, व्हेन टू फैक्टर्स एक्सप्रेसिंग देयर पर्टिकुलर ट्रेट और क्रॉसिड एंड रिजल्ट इन द F1 प्रोजेनी विच इज हैविंग नीदर ऑफ द ट्रेट, विच इज हैविंग नीदर ऑफ द ट्रेट डोमिनेंट, डोमिनेंट, नीदर ऑफ द ट्रेट डोमिनेंट,
बट शोज मिक्सड कैरेक्टर, बट शोज मिक्सड ट्रेड, ये मिक्सड ट्रेड दिखा रहा है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेम वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, ये 4 o'clock का ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज जो है इसी में एक और जो है एक्सेप्शन मेंडल का निकाला गया है, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस या जो है को डोमिनेंस का मतलब क्या है? को डोमिनेंस में when both the factors express their trait independently, when both the factors express their trait independently. Example है इसमें human blood group. इसका क्या मतलब है? जब दो, अगर फॉर एग्जाम्पल दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है ट्रेट के लिए, तो दोनों में न कोई डोमिनेंट होता है न कोई रिसेसिव होता है, बल्कि दोनों जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। व्हेन बोथ द फैक्टर्स एक्सप्रेस देयर ट्रेट इंडिपेंडेंटली, तो दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। हमारे ह्यूमंस में जो है वो ब्लड ग्रुप्स, अगर हम टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स बताएंगे अगर हम ब्लड ग्रुप्स की टाइप बताएंगे, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है एंड ब्लड ग्रुप ओ है। तो 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं ह्यूमंस में होते हैं। लेकिन ये ब्लड ग्रुप्स जो है, इन ये ब्लड ग्रुप्स बनाता कौन है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक जीन, दैट इज नोन एज आई जीन। इस आई को हम बोलते हैं आइसोएग्लुटिनोजन। आइसोएग्लुटिनोजन जीन क्या करता है? ये भी अगर हमारे पास एक सेल है, उस एक सेल में आई दो जीन होते हैं, जिस तरह कैपिटल टी और कैपिटल टी था टाल प्लांट में, या कैपिटल आर, इसी तरह आई जीन जो है, क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है, सेल एक आई जो है मदर के पास आया है, दूसरा आई जो है फादर से आया है। लेकिन ये अब कौन सा ब्लड ग्रुप देख डिजिग्नेट करेगा? अगर हम उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे आई ए, तो ये ब्लड ग्रुप ए बनाता है। जिस सेल के अंदर आई ए जीन होगा वो ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। जिस सेल के पास आई बी होगा वो ब्लड ग्रुप बी बनाएगा। जिस सेल के पास आई ओ होगा वो सेल जो है वो ब्लड ग्रुप ओ बनाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप ए आया कहाँ से? अब अगर दोनों कंडीशन, अगर एक ऐसी सेल है जिसमें आई ए आएगा और आई बी आएगा, तब क्या होगा? इनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। जिस तरह कैपिटल टी डोमिनेंट था स्मॉल टी पे, इसी तरह कैपिटल ए और कैपिटल बी कोई डोमिनेंट उस पर नहीं है, बल्कि ए भी अपना दिखा रहा है और बी भी अपना दिखा रहा है, तो वो दिखाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। दैट मीन्स वो जीन, वो सेल जिसके अंदर कौन से जीन्स होंगे आई ए एंड आई बी, उस सेल के ऊपर ब्लड ग्रुप ए होगा, या वो उस इंसान में ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब दूसरा ये है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इट इज कोडोमिनेंस। को का मतलब है दोनों डोमिनेंट होते हैं, जो मैंने लिखा व्हेन बोथ द फैक्टर्स एक्सप्रेस देयर, दोनों फैक्टर जो है अपना अपना जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं कैरेक्टर विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर या इंडिपेंडेंटली। तो ये जो है ये कंडीशन, ब्लड ग्रुप की कंडीशन, ये कोडोमिनेंस में आती है। अब अगर हम ये वाला देखेंगे, अब अगर कभी आई ए और आई ओ कभी एक साथ होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ब्लड ग्रुप ए होगा। क्यों? क्योंकि आई ओ जो है वो ऑलवेज रिसेसिव होता है, ऑलवेज रिसेसिव टू बोथ। ये आई ओ जो है ये दोनों को, ये हमेशा रिसेसिव होता है, किस किस को? आई ए को और आई बी को, दोनों को ये रिसेसिव होता है। दैट मीन्स अब अगर आई ए एंड आई ओ होगा
तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा, आई बी एंड आई ओ होगा तब भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा, क्यों? बिकॉज बी इज डोमिनेंट ओवर ओ एंड ए इज डोमिनेंट ओवर ओ, ओ हमेशा रिसेसिव ही रहता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, जब दोनों ब्लड ग्रुप अपना जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं एक सेल में। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म आल्सो, मल्टीपल एलीलिज्म, एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब क्या है? एलील, एलील, व्हाट इज एन एलील? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, फॉर्म ऑफ, ये जीन की एक अल्टरनेटिव, मान लो एक जीन ही है, ये है आई ए, इट इज एन एलील, आई ओ इज एन एलील, तो ये दोनों जो हैं ये आई जीन के फॉर्म्स हैं, आई जीन के स्टेट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं अलील या जीन बोलेंगे, आई ए जीन एंड आई ओ जीन, या आई ए अलील एंड आई ओ अलील। तो ये सारे के सारे जो हैं इसको हम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल एलीलिज्म, एलीलिज्म का मतलब जब कोई करेक्टर जो है मोर देन टू ट्रेड जो है फैक्टर से कंट्रोल होगा, तो दैट इज़ नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म। इसी बुनियाद पे, इसी जीनोटाइप की बुनियाद पे आप बता सकते हैं कि किसी, किस इंसान के पास कौन सा जीनोटाइप है। जब आप, जब मैंने आपको ये बता दिया है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जीन्स मेरे सेल में हो सकते हैं, तो पहले सिंपल, सर आपके सेल में आई ए एंड आई ए होगा, कोई और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ए जो है ये डोमिनेंट है ओ पे, तो ये भी हो सकता है आई ए एंड आई ओ, दैट मीन्स अगर इंसान के पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जीन्स आई ए एंड आई ए होगा, या आई ए एंड आई ओ हो सकता है। अब अगर किसी के पास बी होगा तो उसके पास क्या है? उसके पास आई बी एंड आई बी होगा, ये डेफिनेट है, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है? आई बी एंड आई ओ, क्यों? क्योंकि बी जो है ओ पे डोमिनेंट है। अब अगर ए बी होगा, जो अभी को डोमिनेंट की हम बात कर रहे थे, उसमें सिर्फ एक ही होगा, आई ए एंड आई बी कंडीशन, यही कंडीशन होगी। अब अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप ओ होगा, उसके पास क्या होगी? उसके पास भी एक ही कंडीशन होगी, आई ओ एंड आई ओ। तो दीज आर द कंडीशन ऑन द बेस ऑफ विच यू कैन डिटरमाइन। अगर मैं बोलूँगा एक इंसान ने एक इंसान ने ये मेल, एक इंसान ने शादी की है उस औरत के साथ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो आप मुझे बताओ इसके बच्चों में जो है ब्लड ग्रुप क्या आएगा? अगर ये फॉर एग्जांपल मेल है, ये फीमेल है, हम शादी की, तो इसमें क्या जीनोटाइप हो सकता है? आई ए एंड आई ए, ये एक प्रोसेस है, आई ओ एंड आई ओ, ये हो सकता है। अब गमेट्स बनाओ, गमेट्स एक ही बनेंगे, आई ए बनेगा लाइक दिस, इसके गमेट आई ओ होगा, इसको क्रॉस करो आई ए एंड आई ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, ब्लड ग्रुप ए, तो इसका बच्चा जो है वो ब्लड ग्रुप ए होगा इसके बच्चे को। अब अगर इसका जीनोटाइप ये होगा आई ए एंड आई ओ, तब इसमें दो किस्म के गमेट्स बनेंगे, आई ओ ए गमेट एंड आई ओ गमेट, तो ये दोनों जो है अब फीमेल जो है ये आई ओ हमेशा देगी, यहाँ पे आई ए एंड आई ओ, ये ए ब्लड ग्रुप होगा, इसमें आई ओ एंड आई ओ होगा, तो 50% पॉपुलेशन या 50% जो इसकी जनरेशन है उसके पास ए होगा और 50% के पास ब्लड ग्रुप ओ होगा। इट वाज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द कोडोमिनेंस, और यू कैन से कोडोमिनेंस फिनोमेनन। थैंक यू।